शरीर के अंदर जो स्नायु होते हैं इसमें सूजन आ चुकी थी और वो एम्स दिल्ली में भी गए थे, उन्होंने कहा कि इसको ज्यादा कुछ उपाय नहीं है और ये बीमारी में, ये लकवे की एक अलग टाइप की बीमारी है, इसको सीआईडीपी कहते हैं। जब मेरे पास ये रुग्ण आया, इसकी उम्र खाली 27 साल की, अब इसको इलाज नहीं है तो ये क्या करेगा पूरी जिंदगी। अब हमारे इलाज से 15-20 दिन में इसका पूरा बॉडी का सूजन कम हो गया, 6-8 महीने में दौड़ता अच्छा हो गया, सुबह सुबह कभी कभी मैं इसको जॉगिंग को भी देखता हूँ, मेरे साथ में लड़के को, मुझे बड़ी खुशी होती है तब मैं इसको जब देखता हूँ। आज MTNL रिलायंस में ये काम कर रहा है अपना अपना अच्छी तरह। ऐसे ही मेरे पास एक 87 साल का बुजुर्ग था जिसको आधी बाजू में लकवा हो गया था, बात करने का भी काफी कमजोर हो गया था। अब उम्र के हिसाब से लगता था कि अभी इसका क्या होने वाला है, लेकिन उनके बच्चे लेके आए, बोले जो कुछ हो सकता है करो, लेकिन 15 ही दिन हुए थे उसको लकवा होके। वो इंसान आगे के 20 दिन में मेरे यहाँ पे औरंगाबाद का सेंटर है जहाँ पे हम लोग जो पेचीदा बीमारी रहती वहाँ पे हम उनका रहने का व्यवस्था किए है, वहाँ पे लोग रहते हैं, इलाज कराते हैं। 20 दिन के अंदर ये परफेक्टली चलता दौड़ता अच्छा हो गया। ऐसे कई सारे केसेस हैं मेरे पास जो मैंने चलते दौड़ते कराए हैं, लेकिन बीमारी ये अगर मेरे पास जल्दी आते हैं तो लगभग 100% अच्छा हो जाता है। पुराना अगर हो जाता है फिर भी उसमें मैं उसका हाथ से काफी सारा अच्छा काम करना, अपना अपना चलना घूमना, इतना मैं कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये आर्थराइट की बात की जाए, ये भी काफी दिन ब दिन देखने को मिल रहा है। लोगों की जीवन शैली की अगर बदलाव करेंगे, इसकी वजह से हम लोग घुटने का दर्द, कमर दर्द, ये आम बात हो चुकी है, इसमें ये क्या इलाज करता है एक्यूपंक्चर? एक्यूपंक्चर ये बहुत अच्छा, मतलब सूजन मिटाने के लिए बहुत अच्छा इलाज है, नैसर्गिक इलाज है। एक्यूपंक्चर से अपने शरीर के अंदर जो पेन किलर होते हैं वो रिलीज होते हैं, उसको एंडोर्फिन्स बोलते हैं, वो रिलीज होने की वजह से वहां का सूजन कम होता है। ये रहा एक साइंटिफिक दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण ये है एक्यूपंक्चर का कि जैसे एक्यूपंक्चर में हमारे शरीर पे कई सारे चेतना प्रवाह होते हैं जिसमें एनर्जी का संचार होता है। ये एनर्जी का संचार शरीर के अंदर खून है, अंदर लिम्फ है, ब्रेन में से जो नर्व का सिस्टम है, सबका सुपर गवर्निंग सिस्टम है, ये सबको जागरूक रखने वाली सिस्टम है। तो एक्यूपंक्चर में हम ये ढूंढ के निकालते हैं कि ये इंसान में कौन सा चेतना प्रवाह ब्लॉक हो गया। मान लो यहाँ पे एक चेतना प्रवाह यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है तो ये जहाँ ब्लॉक होता है वहां दर्द रहेगा, क्योंकि वहां पे पूरा खून का जमा हो गया है, उसके वजह से दर्द होता है। उसके आगे सप्लाई नहीं जाता है तो उसके आगे फालिज हो सकता है, मतलब पैरालिसिस हो सकता है, मुंगी चूटी जैसा हो सकता है, या फिर सूनापन हो सकता है, इसको खालीपन कहा जाता है। खालीपन कहा जाता है, जैसे गर्दन की बीमारियों में होता है, पैरालिसिस में होता है खालीपन, कई सारे चीजों में होता है। मनके में अगर गादी बाहर निकल के नस दब जाती है तो उसका सप्लाई पैर में कम हो जाता है, उससे खालीपन आता है। मेरे पास तो मनके में नस दब के पैर लूले हुए भी केसेस आते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर जो सूजन है, मान लो अभी स्लिप डिस्क की बात करेंगे तो ये डिस्क है, ये मनका है, ये मनका है, यहाँ पे नस है, तो ये अगर इसमें जकड़ी जाती है तो हम लोग एक्यूपंक्चर के सहारे से ये ऐसा पिन जैसा जो है वो वहां लगा के वहां का सूजन कम कराएंगे तो ये डिस्क फिर से पीछे रिट्रैक्ट होने में, पीछे जाने में मदद होती है। स्लिप डिस्क में जो डिस्क होती है वो जगह पे ही होती है, लेकिन उसको सूजन आती है जिसकी वजह से नस दब जाती है, फंस जाती है। तो फंसी हुई नस एक्यूपंक्चर द्वारा अगर खुली हो जाती है तो फिर से पैर में सप्लाई अच्छा हो जाता है। अभी मेरे पास एक अंधेरी में केस था, वो ऑपरेशन के डर से वहां से ऑपरेशन टेबल से मेरे पास दौड़ता है, बोला मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। मैंने वो सब देखा तब मुझे व्यतीत हुआ कि ऑपरेशन करने से मेरे दोनों टांगे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो मैं क्या करूं। मेरे पास आया, मैंने 10 से 12 दिन खाली ट्रीटमेंट दिया उसका, उसके हाथ में जो ताकत खोई थी ये ऐसा लटक गया था पूरा हाथ, अच्छी तरह काम कर रहा है। अंधेरी में बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, आज वो अच्छी तरह अपना अपना काम कर पा रहा है, वो गेम्स खेलता है, क्रिकेट खेलता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है सब चीज से। वैसे ही मनके के कई सारे केसेस आते हैं, रिक्शा ड्राइवर आते हैं और काम करने वाले जो लोग बोझा उठाते हैं वो गाड़ी बाहर निकल के सूजन आ जाती है, तो एक्यूपंक्चर से वहां पे सूजन कम हो जाती है। सूजन कम होने के बाद में वहां पे लुब्रिकेशन बढ़ता है, लुब्रिकेशन की वजह से जो नस फंस गई है वो खुलती है और उसके वजह से सप्लाई शुरू होता है। ये एक्यूपंक्चर का उपाय, कमर के दर्द है, डिस्क का दर्द है, इसके लिए। वैसे ही घुटने के अंदर अगर सूजन आ जाती है तो उसमें ऑयल बनना कम हो जाता है, ऑयल नहीं बनेगा तो अंदर ड्राइनेस हो जाएगा, फिर गादी जो है वो घिसना शुरू हो जाएगी, गादी घिसेगी तो गैप कम हो जाएगा, ऐसे ही करते घुटना खराब होते जाता है। अगर रुग्ण पहले आ जाता है तो यहाँ की सूजन मिटा के गादी में ऑयलिंग अच्छी बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब ने जो बात की माइक्रो स्पाइन सर्जरी जो